Hello friend, so in the last video we talk about the discovery of the genetic material and we discuss about the Griffith experiment. Today in this video we are going to discuss about the latter discovery after the Griffith experiment, because in the Griffith experiment it was not concluded what is responsible for the transformation of the R strain into S strain. तो आगे चल के कुछ लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ऐसा अनुमान लगाया कि सम ऑफ द प्रोटीन्स आर देयर इन द सेल एंड दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा लोगों का मानना था, साइंटिस्ट लोगों का. अब ये बात तब तक चलती रही जब तक आगे के कुछ पावरफुल एक्सपेरिमेंट नहीं हुए. तो फिर आगे के डिस्कवरी में वी आर गोइंग टू सी द डिस्कवरी बियॉन्ड द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ओके, सो द एक्सपेरिमेंट वाज कंक्लूडेड और कंडक्टेड बाय एवेरी मैकलियॉड and McCarty, Avery, MacLeod and McCarty. So what was their conclusion? What is the experiment or how they conducted the experiment? In the Griffith experiment we have seen that Griffith ne 1928 mein mice, that is mammal, ka use karke Streptococcus pneumoniae ke saath एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था. द सेम मटेरियल दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिका यूज करके, रफ स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन इन दोनों का यूज करके एवेरी मैकलियॉड एंड मैककार्टी इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि व्हाट इज दैट मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. बट दे डिडंट यूज द माइस फॉर दिस देयर एक्सपेरिमेंट. माइस का यूज नहीं किया. फिर क्या किया? तो उन्होंने टेस्ट ट्यूब का यूज करके एक्सपेरिमेंट किए एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ ये प्रूव किया. अब वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको शॉर्टकट में, वेरी इन अ शॉर्ट वे आई एम टेलिंग यू. आप लोगों को टेस्ट ट्यूब के बारे में पता है, कल्चर में आर स्ट्रेन का कल्चर किया. कल्चर मींस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर उस बैक्टीरिया का ग्रोथ करना, दैट इज कॉल्ड एज कल्चर. तो आर स्ट्रेन का कल्चर किया, दूसरी जगह पर रफ स्ट्रेन का कल्चर किया. अब ये आर स्ट्रेन अलोन जब ग्रो हो रहा तो इट विल नॉट बी वायरुलेंट, बट एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट बिकॉज ऑफ कैप्सूल, उसके ऊपर कैप्सूल था. अब हिट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में टेस्ट ट्यूब में देखा गया कि आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन. अब यहां पर देखिए, टेस्ट ट्यूब का यूज किया, माइस की जरूरत नहीं है. माइस के बॉडी के अंदर जो हो रहा था सेम यहां पर भी हो रहा, लेकिन इट इज इन द टेस्ट ट्यूब. आर स्ट्रेन इज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन इन द प्रेजेंस ऑफ हिट किल्ड एस स्ट्रेन. फिर ये तीन साइंटिस्ट ने बायोमोलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन द एस स्ट्रेन, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन्स है, ये मेजर बायोमॉलिक्यूल्स है, इनको सेपरेट किया, आइसोलेट किया. आइसोलेट करने के बाद उन्होंने आर स्ट्रेन के टेस्ट ट्यूब में, यहां पर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया आर देयर विच आर नॉट वायरुलेंट, दे आर अवायरुलेंट, इनके एक टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब, तीसरी टेस्ट ट्यूब,
all test tubes were having R strain, R strain, R strain. ठीक है, अब पहली टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन्स डाला, रिजल्ट देखा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ. दूसरे टेस्ट ट्यूब में आरएनए डाला, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ. आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन ही मिला. आर स्ट्रेन कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब में तीसरी वाली में जब उन्होंने डीएनए डाला और रिजल्ट फाइंड आउट किए तो बाद में देखा गया कि आर स्ट्रेन गेट ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन. व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? तो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. बाद में इन्होंने डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इनकी भी डिस्कवरी कर ली. अब आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जैसे कि हिट किल्ड एस स्ट्रेन, हिट किल्ड इस एस स्ट्रेन में उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल दिए तो जितने भी प्रोटीन यहां पर थे डाइजेस्ट कर लिए वो एंजाइम ने. एंजाइम का नाम प्रोटीएसिस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग प्रोटीएसिस. बाद में आरएनए डाइजेस्टिंग आरएनएज, आरएनएज डायरेक्टर डीएनए डाइजेस्टिंग डीएनएज. ओके, तो एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन, हिट किल एस स्ट्रेन लिया. अब ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा बिकॉज इसमें तीनों बातें, लेकिन जब हिट किल में उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला और फिर आर स्ट्रेन के साथ उनको कंबाइन रखा, देन इट वाज फाउंड दैट कि आर स्ट्रेन गेट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन. व्हाट डज इट मीन, प्रोटीएसिस एंजाइम डालने के बाद इसमें एस स्ट्रेन के प्रोटीन्स वेर डाइजेस्टेड, मींस प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट हियर, देन आल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर. व्हाट डज इट मीन, प्रोटीन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. ये बात आपको अच्छी तरह से समझ. नेक्स्ट थिंग, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल दिया एस स्ट्रेन में, मींस प्रोटीन्स आर देयर एंड डीएनए आर देयर. ये अब हिट किल मटेरियल आर स्ट्रेन के साथ रखा, देन आल्सो फाउंड यस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. इट मींस आरएनए आर आल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, मींस आरएनए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वो नहीं है तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, उसके रोल ही नहीं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में. जैसा प्रोटीन नहीं है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, मतलब प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. अब तीसरी बार उन्होंने डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल दिया हिट किल में और फिर वो मटेरियल आर स्ट्रेन के साथ रखा, तो आर स्ट्रेन गेट कन्वर्टेड इनटू नथिंग, इट वाज आर स्ट्रेन एज इट इज. व्हाट डज इट मीन, जब डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. देन ऑल्सो द साइंटिफिक वर्ल्ड, देन उस टाइम का जो साइंटिस्ट का दुनिया थी, मेनी ऑफ द साइंटिस्ट वेर नॉट कन्विंस्ड बाय दिस थ्री साइंटिस्ट, एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी. इनकी डिस्कवरी की वजह से भी वो इम्प्रेस नहीं हुए. इसके बाद की डिस्कवरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, टिल देन सी यू.